हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुरंगी होता क्या है। देखो, बहुरंगी मल्टी कलर है, जो कि आपको पिछले वीडियो में हमने दर्शाया था। आप पिछले वीडियो में जाकर देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम अभी सीखेंगे पेन पेन कैसे सीखेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो ऑपरेट करने से पहले सबसे पहले वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ अजय और वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुरंगी आर्ट्स, जो आपके लिए द डिजाइन स्कूल के रूप में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पेन कैसे चालू किया जाए, पेन टूल कैसे एक्टिवेट किया जाए, पेन टूल कैसे स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले देख रहा है मेन विंडो, जो कि बहुरंगी आर्ट्स का डिज़ाइन आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बटन, जिसे कहते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम का बटन दिखाई दे रहा है, ऑल प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सेसरीज का फोल्डर। आप एक्सेसरीज के फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पेन टूल का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, पेन टूल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से व्हाइट बोर्ड विंडो ओपन होगा। ये पेन टूल का विंडो है और इसको मिनिमाइज करोगे तो ये है मेन विंडो, ये है पेंट विंडो, पेंट टूल का विंडो, पेंट एप्लीकेशन का विंडो। यहाँ से आप कॉर्नर से बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कुछ नए ड्राइंग्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चेस बोर्ड के बारे में, काफ़ी अच्छा गेम्स है, बुद्धि का गेम है। हम इसे खेलेंगे कैसे या सीखेंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर शेप्स दिखाई दे रहे हैं, टूल्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग को इस टूल्स के बारे में भी जानना है और सीखना भी है साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस स्क्वायर बॉक्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा। स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए। ये है पहला बॉक्स ड्रॉ हुआ है। पहला बॉक्स ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको पेन बकेट, फिल विथ कलर करके का टूल आता है। आप इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्लिक रखिएगा और यहाँ पर ब्लैक कलर का सिलेक्शन कीजिए। अब पेन बकेट जहाँ पर स्क्वायर बॉक्स आपने ड्रॉ किया था उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये हो गया पहला ड्रॉ। फिर सेकेंड ऑप्शन सेम सेम आपको इसके कॉर्नर से ही ड्रॉ करना है, सेम पोजीशन में और सेम साइज में आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है। आपको सेम पेन बकेट लेना है, पहला टूल सिलेक्ट करना है, कलर ब्लैक कलर लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर सेम सभी बॉक्सेस सेम टू सेम आपको बनाने हैं, क्लिक करने हैं, कलर फिल करना है, सिलेक्ट करना है। फिर से बॉक्स लिया, फिर से मैंने सिलेक्शन लिया, फिर से आपको क्लिक करना है, फिर से वन टू, फिर से को क्लिक करके फिर से ड्रॉ करना है। इसे आपको बार बार करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो माउस पकड़ा हुआ है, माउस के बारे में आप जानते ही होंगे या नहीं जानेंगे तो मैं इसका भी इंट्रोडक्शन आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। तो इसे फिर से सिलेक्ट कीजिएगा और फिर से कलर बॉक्स, फिर से ब्लैक कलर लीजिए। फिर से ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं, बस सिलेक्शन हो गया तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सीखें। फिर से ड्रॉ कीजिएगा, फिर से पेन बकेट लीजिए, फिर से कलर, फिर से कलर, ठीक है। तो पेन बकेट के ऊपर हमने चॉइस कर लिया, फिर से हम लोग स्क्वायर बॉक्स लिया, फिर से ड्रॉ किया। ऐसा सेम आपको क्रॉस बाय क्रॉस आपको सिलेक्शन करना है और फिल करना है। और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम सभी को सेम फिल करना है, सभी इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है और ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखिए, सेम टू सेम आपको पूरा टच करके करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ करना है। अब मैंने यहाँ पर पेन बकेट का टूल लिया, फिर से इसको ब्लैक किया, इसको ब्लैक किया, सभी को फटाफट फटाफट ब्लैक कर दिया। देखिए, अभी ये चेस बोर्ड जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप जब न्यू विंडो फिर से ओपन करते हो, जैसे अभी मैं पेन बकेट में गया, ऑल प्रोग्राम में गया, एक्सेसरीज में गया, पेन टूल में गया, मैं पेन टूल को ओपन किया, ये न्यू तरीके से पेन टूल ओपन हुआ।
ये है अभी मैं जो बताऊंगा ये शॉर्टकट तरीका है। देखिए पेन टू है, पेन टू का आपने यूज किया, पहला कलर सिलेक्ट कर लिया, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर आपको मिलेगा इरेजर टू, इरेजर टू का आप सिलेक्ट कीजिएगा और अपने मेन विंडो पर आ जाइए जहाँ पर ब्लैक विंडो आपको शो होगा। यहाँ पर देखिए इरेजर का बॉक्स काफी छोटा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस का बटन आपको प्रेस करके रखना है, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा होने के बाद आपको यहाँ पर वन क्लिक करना है, वन क्लिक हो गया वो मिल गया, फिर दूसरा इरेज हो गया, फिर तीसरा, फिर ऐसे वन बाय वन आपको क्लिक करना है। ये काफी इजी तरीका है, आप इसे भी इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, काफी इजी तरीके से वन बाय वन क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा सेम टू सेम आपको सभी इसमें करना है, आपका काफी अच्छा चेस बोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा और भी अच्छे अच्छे आप इसमें कार्टून बना सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको उसके चैलेंजेस भी दूंगा, आपको सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी इसमें कार्टून कैसे रेडी करते हैं और नेचर कैसे बनाते हैं, कैसे पहाड़, सूरज, चांद, नाइट इफेक्ट्स कैसे देते हैं, हम आपको पेंटिंग में आपको पूरा का पूरा सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना होगा, तभी आपको नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और सीखने को मिलते रहेंगे। और क्या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। देखिए मैंने कितना फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना फास्ट ड्रॉ किया, इसके लिए आपको माउस की हैंडलिंग होना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला टूल आपको बताया था हमने स्क्वेयर बॉक्स वाला, आप उसको चॉइस कीजिएगा क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा। ये शॉर्टकट तरीका है, इससे आपका कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाला है जल्दी से, लेकिन फिर भी ये शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसा है आज के करंट सिचुएशन में फास्ट चलना काफ़ी ग्रोथ माना जाता है। देखिए कितना जल्दी ये ड्रॉ हो गया है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेकर आएंगे कुछ नए तरीके से। उसके पहले आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।